हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग जो देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन नंबर 46 और इसमें हमें आइसोसेलस ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसका बेस दिया गया है 3.8 सेंटीमीटर और इसके जो इक्वल साइड्स दिए गए हैं वो 2.9 सेंटीमीटर। आपको पता है कि जब भी आइसोसेलस ट्रायंगल बनाया जाता है तो उसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं और एक साइड क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो यहाँ जो इसका बेस जो डिफरेंट साइड है वो दिया गया है 3.8 सेंटीमीटर। 3.8 सेंटीमीटर दिया गया है, हम लोग 3.8 सेंटीमीटर यहाँ पर मार्क करके और इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से 3.8 सेंटीमीटर ड्रॉ हो जाएगा और बेस है तो हम इसका नाम बी सी दे देते हैं, 3.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका जो दिया गया है इसमें इक्वल साइड जो है 2.9 सेंटीमीटर, तो हम 2.9 सेंटीमीटर अपने इस कंपास में ढूंढेंगे। ये 2.9 हमारा जो होगा वो हम अपने कंपास में ले लेंगे और यहाँ बी और सी से रख करके, बी और यहाँ पे सी दोनों पर रख करके हमने कट किया। कट करने के बाद में जो पॉइंट मिला उसका नाम दे दिया गया ए और ए को ज्वाइन कर देते हैं बी और सी से, ए को ज्वाइन कर देते हैं बी और सी से। तो इस तरह से आपका ए बी सी एक आइसोसेलस ट्रायंगल ठीक है ड्रॉ हो जाएगा। जब आपके पास में एक साइड दिया गया हो और दो उसके साइड मतलब जो इक्वल साइड्स हैं वो भी दिए गए हों तो हमारा बनाने का तरीका ये इस तरीके से रहेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार दोस्तों।